नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों कल मेरा वीडियो आया था कि बाथरूम के अंदर अगर ये ब्रास्ट फट जाता है तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों वो जो ब्रास्ट फटा हुआ था उसमें कुछ गलती हम लोगों की भी थी, क्योंकि हमने जो है उस जगह पे ब्रास्ट लगा रखा था ये वाला। तो काफी मेहनत करने के बाद जो है वो रिपेयर हो पाया। रिपेयरिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका था, वो भी प्रॉपर, ठीक है। तो मैंने क्लाइंट से कहा कि वाल को आर पार करके, टाइल्स को कट करके आर पार करके उसको प्रॉपर मैं ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये तरीका क्लाइंट को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि टाइल्स को कट करके अंदर से ही किसी तरह से जोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो इसलिए मुझे वो जुगाड़ू वाला तरीका अपनाना पड़ा। जुगाड़ करने का दो तरीका था, एक तो सॉकेट कट करके यहाँ पे इस तरह से हम लगा देते, और दूसरा तरीका ये था कि जो सॉकेट होता है उसके लॉक को कट करके पहले सॉकेट को ऊपर ले लेंगे, उसके बाद फिर उसको नीचे खिसका देंगे, ठीक है। तो कल यही तरीका अपनाया गया, इसी तरह से उसको रिपेयर किया गया। लेकिन दोस्तों वो जो था वो जुगाड़ू तरीका था, जुगाड़ू तरीके से काम हुआ था, ठीक है। लेकिन प्रॉपर काम हुआ है, उसमें लीकेज नहीं करेगा। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ और ये सब आपसे बताता हूँ कि जो है किस जगह पे ये ब्रास्टी को लगाना है और किस जगह पे एल्बो को लगाना है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में। आज मैं यही बताऊंगा कि ब्रास्टी को लगाने का सही तरीका क्या है, कहाँ पे ये लगाया जाता है और कहाँ पे ब्रास एल्बो लगाएंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में मैं। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। और दोस्तों कोई सवाल रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई मिलेगा आपको। और आपके पास कुछ ज्यादा सवाल है तो उसके लिए दोस्तों आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे पहुंच सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है दोस्तों सोनू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो अभी चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिये दोस्तों मेरे हाथ में एक ब्रास स्टील दिखाई दे रहा है और एक ब्रास एल्बो दिखाई दे रहा है। दोनों में क्या फर्क है, किस जगह पे किसको लगाना चाहिए, ब्रास्टी लगाने से क्या फायदा है और ब्रास एल्बो लगाने से क्या फायदा है, आज मैं ये चार्ट के ऊपर डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको कि जो है ब्रास्टी को कहाँ पे लगाना है और ब्रास एल्बो को कहाँ पे लगाना है। तो देखिए दोस्तों जब हम पॉइंट बनाते हैं बाथरूम के अंदर तो या तो इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में बनाए, ये जो है सीधा एंगल में होता है, इसमें एक टैप लगा देते हैं हम, ठीक है। और मान लीजिए दोस्तों कभी ये फट जाता है, जैसे कल फटा हुआ था, ठीक है। तो अगर ये फट जाता है तो इसको रिपेयर करने के लिए हमको नीचे से भी कट करना पड़ता है और ऊपर से भी कट करना पड़ता है। तो उसके बाद कट करने के बाद ये ब्रास्टी तो निकल आएगा, लेकिन दोस्तों इसको जो है ज्वाइंट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर ये बाथरूम के अंदर टाइल्स के अंदर फिक्स हुआ रहेगा तो टाइल्स को तोड़ करके उसके बाद इसको कट करके निकाल लेंगे, लेकिन ज्वाइंट करने में काफी दिक्कत होगा, क्योंकि उस टाइम जो है ब्रास्टी लगा के पहली बार तो पॉइंट बनाना होगा, उसके बाद फिर इसको कनेक्ट करना होगा। तो देख लीजिए बाथरूम में जब टाइल्स लगा हुआ रहेगा तो टाइल्स को ज्यादा कट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बाथरूम का पूरा शो खराब हो जाता है। और इसमें इतना कम जगह बच रहा है तो यहाँ पे यूनियन भी नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ब्रास्टी यहाँ पे मत लगाइए, ठीक है। यहाँ पे ब्रास्टी नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों ये ब्रास एल्बो लगाना चाहिए, ठीक है। देखिए अब दोनों में क्या फर्क हो रहा है, अगर ब्रास्टी फटता है तो हमको यहाँ से कट करके ब्रास्टी को निकालना होगा, जो कि ज्वाइंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। अब ये ब्रास्टी के जगह पे अगर एल्बो लगा हुआ रहेगा तो अगर ये एल्बो फट जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर कभी ये एल्बो फट जाता है तो यहाँ से हम कट करके, ठीक है, यहाँ से हम कट करके यहाँ पे सॉकेट लगा के उसके बाद जितने लेवल पे ये फिक्स हुआ रहेगा पहले, उसी लेवल पे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है दोस्तों ब्रास्टी वाले में और ब्रास एल्बो वाले में। ब्रास्टी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको ज्वाइंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा। देख लीजिए अगर कोई पॉइंट इस तरह से बना हुआ है तो इसको अगर कट कर देंगे तो ज्वाइंट करने में दिक्कत होगा, लेकिन एल्बो में ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से कट किया, उसके बाद सॉकेट लगाया, फिर इसको वापस लगा देंगे, उसी लेवल में फिक्स हो जाएगा। तो ये फर्क होता है दोस्तों ब्रास्टी वाले में और ब्रास एल्बो वाले में। तो अब चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ एक कॉमन बाथरूम का, उसमें मैं समझा देता हूँ कैसे जो है आपको लाइन ऊपर नीचे करके लेना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं ये चार्ट पर डायग्राम बना दिया हूँ, और इस डायग्राम में दोस्तों मैं ब्रास्टी से नहीं बल्कि एल्बो से पॉइंट बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं मोटर दिखा दिया हूँ, ये मोटर है और ये मोटर का पाइप है जो ये इनपुट टैंक में जा रहा है टैंक को भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये टैंक से आउटपुट यहाँ से निकलेगा, ये देखिए ये आउटपुट निकल रहा है, यहाँ पे बाल वाल दिया हूँ, यहाँ पे यूनियन है। उसके बाद यहाँ से नीचे आ गया, अब ये बाथरूम में आ गया,
ठीक है, तो बाथरूम में आ गया। ये जो है टैंक आउटपुट का कोल्ड लाइन है, ठंडा पानी वाला, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रॉस टी लगाना है। ठीक है, चाहे कॉमन टॉयलेट हो, चाहे आपको डाइवर्टर लगाना हो, या फिर वाल मिक्सर लगाना हो, या कैंसिल से ऑपरेट करना हो शावर को। ठीक है, तो इस तरह से आ गया डिजाइन। यहाँ पे क्रॉस टी लगाया हूं मैं, ये क्रॉस टी है। एक जो है शावर में चला गया और एक नीचे आ गया, यहाँ पे स्पाउट लग जाएगा, या फिर अगर डाइवर्टर नहीं लग रहा है तो यहाँ पे हम टैप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस टी है। अब अगर आपको शावर को कैंसिल से ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे इस तरह से कैंसिल लगा देंगे। तो अभी ये दोस्तों आउटपुट वाला लाइन है, तो यहाँ पे देखिए मैं गीजर में दिखाया हूँ, ये गीजर में जा रहा है पानी को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गर्म पानी वापस आ रहा है गीजर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ पे मैं ला के रोक दिया हूँ, यहाँ पे क्रास्टी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ब्रास एल्बो हम लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए अभी ये क्रास्टी है, तो क्रास्टी में हम ब्रास एल्बो को इस तरह से लगा देंगे। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, और उसी तरह से दोस्तों दूसरा भी है, तो यहाँ भी दोस्तों ये ब्रास एल्बो लगाना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे नहीं ऐसा कि ब्रास्टी यहाँ पे लगा दे, ब्रास्टी मैं नहीं कह रहा हूँ लगाने के लिए, ब्रास्टी लगाएंगे तो काफी दिक्कत होगा, अगर ये फट जाता है तो रिपेयर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। जिस तरह से मैं झेला हूँ उस तरह से आप लोग भी झेल जाएंगे। ठीक है, तो ब्रास्टी को नहीं लगाना है, यहाँ पे ब्रास एल्बो लगेगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे डाइवर्टर लगाना है, ये कैंसिल न लगा के यहाँ डाइवर्टर लगाएंगे, तो डाइवर्टर में यहाँ देखिए कोल्ड वाटर आ रहा है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आएगा हॉट वाटर, तो यहाँ पे अभी मैं कोल्ड वाटर ही दिखाया हूँ जो गीजर में पानी भरने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको डाइवर्टर लगाना होगा तो ये जो गीजर वाला पाइप है इसको आप ऊपर नीचे घुमा के हॉट वाटर दे सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया हूँ। और दोस्तों ये जो डिजाइन है, चाहे कॉमन बाथरूम हो या फिर चाहे मास्टर बाथरूम हो, दोनों में ही जो है ये डिजाइन काम कर जाएगा। बस इसमें हल्का फुल्का चेंज होगा, वो जो है दीवार की वजह से होगा कि बाथरूम का डिजाइन कैसा है, तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फायदा होता है ब्रास एल्बो लगाने से, और ये नुकसान होता है ब्रास्टी लगाने से। तो ब्रास्टी न लगा के सीधा आप ब्रास एल्बो लगाइए इस तरह से। जितना भी पॉइंट आपको बनाना है हर जगह पे ये ब्रास एल्बो लगाइए। ब्रास एल्बो लगाने से दोस्तों यही फायदा होगा, अगर ये इसका थ्रेड कभी फट जाता है तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद ऊपर सॉकेट लगा के उसके बाद फिर दोबारा नया जो ब्रास एल्बो होगा उसको लगा देंगे। ठीक है, काफी आसानी से रिपेयर हो जाएगा। और दोस्तों ब्रास्टी को हम उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पे टाइल्स ना लगाना हो, यानी कि बाथरूम के अंदर इसको ना यूज करके इसको उस जगह पे यूज करिए जहां पे सिर्फ प्लास्टर होना है। ठीक है, इस ब्रास्टी को दोस्तों यूज करने में सिर्फ वही एक ही दिक्कत है कि अगर ये कभी फट जाता है तो इसको चेंज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और अगर ये नहीं फटता है तो काफी लंबे समय तक चलेगा ये, जितना बाकी फिटिंग चलता है एल्बो वगैरह, तो उसी के साथ दोस्तों ये भी चलेगा काफी लंबे समय तक। बस इसको चेंज करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए आप इसको बाथरूम के अंदर मत लगाइए जहां पे टाइल्स लगाना हो। ठीक है, बाथरूम के अंदर आपको जितना भी पॉइंट बनाना हो इस ब्रास एल्बो से बना लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। और दोस्तों अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।